टेक एफ बी लाइव में आपका स्वागत है. और जैसा कि आपको हमने अभी एमआई का नया टीवी जो लॉन्च हुआ है एलईडी टीवी 4 उसकी तस्वीरें दिखाई और फिर आपको दिखाया रेडमी नोट 5 प्रो का स्मार्टफोन का पहला लुक. तो अब आपके सामने हम दिखा रहे हैं रेडमी नोट 5 स्मार्टफोन की पहली तस्वीरें. ये है वो फोन जो आज लॉन्च हुआ है और दो फोन आज लॉन्च करे हैं भारत में शाओमी ने, एक तो रेडमी नोट 5 और रेडमी नोट 5 प्रो जिसकी हमने वीडियो आपको कुछ ही देर पहले दिखाया है. सो ये है रेडमी नोट 5 जो आज लॉन्च हुआ है. नोट 5 प्रो भारत का जो लॉन्च हुआ है वो भारत में लॉन्च हुआ है. वो ग्लोबल डेब्यू है जो नोट 5 प्रो है उसका. लॉन्च सबसे पहले भारत में ही किया गया, उसके बाद इसको बाकी देशों में भेजा जाएगा. बहरहाल बात कर लेते हैं इसी फोन की, आपको दिखाते हैं कि ये फोन दिखने में कैसा है. आप देख सकते हैं फिलहाल जो हमारे पास कलर है वो है ब्लैक. थोड़ा सा फोन जो है इज ऑन अ हेवियर साइड. बहरहाल हम आपको बाकी इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बता देते हैं. 5.99 फुल एचडी डिस्प्ले है इसका और साथ में इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 दिया गया है. आपको बता दें कि रेडमी नोट 5 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 दिया गया है जो कि इससे अलग है और वो पहला स्नैपड्रैगन फोन है जो लॉन्च हुआ है. और आपको बता दें कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 625 बहरहाल नोट 5 में दिया गया है और इसमें 636 नहीं है. 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है इसका, आप देख सकते हैं. और ये डुअल कैमरा लेंस नहीं है बल्कि रेडमी नोट 5 प्रो में जैसा कि हमने आपको दिखाया था जो रियर कैमरा है वो डुअल कैमरा दिए गए हैं 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल. और फ्रंट कैमरा 20 मेगापिक्सल का था लेकिन नोट 5 में जो है 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है. वहीं आपको बता दें कि एलईडी सेल्फी लाइट दी गई है इसमें. और बाकी सेटिंग्स पे जाके हम आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सा वर्जन दिया गया है एंड्रॉइड का. सो यू कैन सी कि इसमें एंड्रॉइड लोगा दिया गया है बहरहाल. और साथ ही साथ आपको बता दें कि ओरियो अपडेट का फिलहाल कोई हमें न्यूज नहीं दी गई है. दिस इज हाउ द यूजर इंटरफेस लुक लाइक. और आपको बता दें कि इस फोन की फिलहाल कीमत क्या है. आपको बताया था हमने अभी कि टीवी भी लॉन्च किया है शाओमी ने और रेडमी नोट 5 प्रो के साथ रेडमी नोट 5 लॉन्च किया गया है. इसकी जो कीमत है वो रखी गई है 9,999 रुपये जो कि 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है. वहीं जो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज है उसकी कीमत रखी गई है 11,999 रुपये. सो दिस इज हाउ द फोन लुक्स लाइक. ये ब्लैक कलर है जो हमारे हाथ में है फिलहाल और इसकी बाकी डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाएंगे. फिलहाल आपको बता दें कि इस फोन को दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है और इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन दिया गया है 625. वहीं 4000 mAh की बैटरी इसमें दी गई है, 12 मेगापिक्सल रियर कैमरा, 5.99 स्क्रीन. और आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट अ बेजललेस स्क्रीन बिकॉज बेजल जो टॉप और बॉटम में है वो थोड़े से थिक हैं और साइड में इट्स प्रीटी थिन. But yes, it's considered to be now India's all-rounder. So, पीछे आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है इसके. और जल्द ही आपको टेक तक पे इस फोन का रिव्यू भी हम दिखाएंगे. कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर बताइएगा. बहरहाल ये थी पहली तस्वीरें Redmi Note 5 की जो भारत में आज ही लॉन्च हुआ है.